कोरोना वायरस एक विकराल स्वास्थ्य समस्या के रूप में हम सबके समक्ष है और कोरोना वायरस ने आज पूरे संसार को डर के साए में ले लिया है। तो युवा वर्ग जो शिक्षित वर्ग है उसकी जिम्मेदारी है वो स्वयं सुरक्षित रहे, अपने परिवार को सुरक्षित रखे और वो लोगों को प्रेरित करे, जागरूक करे। जो लोग नहीं जान रहे हैं कैसे उनको सुरक्षित रखा जा सकता है, लगातार आप देख रहे हैं कि बहुत सारे उपाय आप सभी के संज्ञान में है, फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप पर सभी लोग जानते हैं कि इसके बचने के लिए क्या उपाय है। लगातार उपाय आपको बताए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा भी बताए जा रहे हैं, मीडिया के द्वारा भी बताए जा रहे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा भी आपको उपाय शेयर किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग उपायों के बारे में नहीं जानते, है ना। तो तरह तरह की अफवाहों से लोगों को बचाते हुए उनको सही दिशा में वास्तव में क्या कार्य करना है, आप इस दिशा की ओर उनको ले चलिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थोड़ी सी ज्यादा है ना। आपकी जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा है क्योंकि आप युवा वर्ग हैं, शिक्षित वर्ग हैं और आप बहुत सारे लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, बता सकते हैं और जो लोग इसके उपायों से अनभिज्ञ हैं आप उनको सुरक्षित कर सकते हैं। तो पहले तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करिए और अपने परिवार को, समाज को सुरक्षित करिए। आज मेरा आप सभी से रूबरू होने का जो मुख्य विषय है वो है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020, जिसको आप लोग कहते हैं सीटेट 2020। जुलाई के पहले सप्ताह में इसका एग्जाम प्रस्तावित है, आप सभी लोग जानते हैं, इसके फॉर्म भी भरे जा चुके हैं, आप सभी लोगों ने इसके फॉर्म भर भी लिए हैं। चूंकि सीटेट एक स्तरीय परीक्षा है तो हम घर से अगर पढ़ाई लिखाई स्वयं से कर रहे हैं तो हम किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए जिससे कि हम एक सही दिशा में अच्छे अंकों को अर्जित कर सकें। तो आइए हम कुछ मिनट में सबसे पहले तो देखते हैं कि इसकी संरचना क्या है और फिर हम इसके बाद ये देखते हैं कि हमें किस प्रकार से तैयारी में आगे बढ़ना है और इसके लिए प्रमुख महत्वपूर्ण किताबें आपकी क्या हो सकती हैं और आपकी तैयारी की रूपरेखा क्या हो सकती है, संस्थान की आपकी तैयारी में क्या भूमिका हो सकती है। जैसे कि आप सभी लोगों को विदित है कि जब भी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा शिक्षक से संबंधित कोई भी परीक्षा आयोजित की जाती है तो टारगेट विद्यालय ऑनलाइन इंस्टीट्यूट द्वारा आपको उस परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो कक्षाएं, महत्वपूर्ण नोट्स हमेशा प्रेषित किए जाते हैं और ऐसे वीडियो भी प्रेषित किए जाते हैं जिनके माध्यम से आपकी परीक्षा को, आपके अध्ययन को एक सही दिशा मिल सके। उसी क्रम में सीटेट से संबंधित ये वीडियो मैं आपको प्रेषित कर रहा हूं। निश्चित रूप से यह वीडियो अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको कैसे तैयारी करनी है, आपको अपने नोट्स को कैसे यूज करना है, आपको किताबें कौन सी पढ़नी है, इन सब के बारे में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी और निश्चित रूप से आप अच्छा अध्ययन कर पाएंगे और सफलता के ज्यादा नजदीक आ पाएंगे। साथ ही साथ संस्था की आपकी तैयारी में क्या भूमिका रहने वाली है इससे भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा। इस समय जब पूरा विश्व कोरोना के डर से बैठा हुआ है तो एक परीक्षार्थी के लिए अंदर बैठकर पढ़ने का ही सबसे सटीक और सुरक्षित समय है। आप बिना डिस्टर्बेंस के अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अनवरत रूप से आपकी पढ़ाई लिखाई जारी रखेगा, आपकी पढ़ाई लिखाई एक भी दिन बंद नहीं होगी, क्योंकि हम सभी लोग घर से आपको वीडियो बनाकर प्रेषित करते हैं, लगातार हम आपको वीडियो बना के प्रेषित करेंगे और आपके अध्ययन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और इसी प्रकार आप हमको देखते रहेंगे जिस प्रकार आप हमको देख रहे हैं। तो आइए इस चर्चा को शुरू करने से पहले सबसे पहले एक मिनट में बात कर लेते हैं इसकी पाठ्यक्रम संरचना पर और उसके बाद आगे की कड़ियों को जोड़ते हुए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। तो सबसे पहले यदि हम लोग देखें तो सीटेट एग्जाम पेपर 1 से लेकर 5 तक, जहां पर बाल विकास एवं शिक्षण 30 प्रश्न 30 अंक, गणित 30 प्रश्न 30 अंक, भाषा 1 30 प्रश्न 30 अंक, भाषा 2 30 प्रश्न 30 अंक और पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न 30 अंक, 150 प्रश्न 150 अंक और 150 मिनट। ये आपका पेपर 1 है। इसका मतलब आशा हमारा ये है कि 1 से लेकर 5 तक आप जानते हैं कि 3 भाग दोनों ही पेपर में कॉमन रहते हैं, चाहे आप 1 से लेकर 5 तक का पढ़ लें और चाहे आप 6 से लेकर 8 तक का पढ़ लें। यदि हम 6 से लेकर 8 के पाठ्यक्रम की चर्चा करें यहां पर तो बाल विकास एवं शिक्षण 30 प्रश्न 30 अंक, भाषा 1 के 30 प्रश्न 30 अंक, भाषा 2 30 प्रश्न 30 अंक, विज्ञान गणित या सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न 60 अंक, यहां पर भी आपके 150 प्रश्न हैं, 150 अंक हैं और 150 मिनट हैं। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि परीक्षा की प्रवृत्ति थोड़ी सी अलग होती है। यहां पर जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो तथ्यात्मक और अवधारणात्मक कम पूछे जाते हैं, बल्कि व्यवहारिक ज्ञान से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। इसका मतलब आपकी जो परीक्षा का मनोविज्ञान है उसमें आप कितने जागरूक हैं इससे संबंधित प्रश्न आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे यदि हम लोग देखें परीक्षा की प्रकृति, तो परीक्षा की प्रकृति में यदि हम लोग बात करें तो परीक्षा का जो कठिनाई स्तर है वो आपकी राज्य सरकारों की
परीक्षा का जो कठिनाई स्तर होता है उससे अधिक अच्छा होता है। जो प्रश्न का लेवल होता है वो प्रश्न का लेवल भी बहुत अच्छा होता है। अगर हम दोनों पेपर को कंपेयर करें तो यहां पर आप देखते हैं कि एनसीईआरटी से संबंधित जो आपकी किताबें होती हैं उसकी छवि आपके पेपर में ज्यादा दिखाई देती है। हालांकि एक से लेकर पांच तक का जो पेपर होता है उसमें तो एनसीईआरटी की छवि इतनी नहीं दिखाई देती है, लेकिन छह से लेकर आठ तक के लिए जो पेपर टू आपका होता है उसमें एनसीईआरटी की छवि स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है और ज्यादा जो आपके प्रश्न होते हैं वो एनसीईआरटी की किताबों से पे ही बेस्ड आपके होते हैं। यहां से यदि हम एक से पांच तक की परीक्षाओं की प्रकृति को देखें तो यहां पर भी जो प्रश्न होते हैं वो उतने आसान नहीं होते जितने आपको राज्य की पात्रता परीक्षाओं में मिलते हैं या राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में मिलते हैं, बल्कि प्रश्न व्यवहारिक ज्यादा होते हैं और यहां पर पेडागोजी से संबंधित प्रश्न आपसे बहुत पूछे जाते हैं, शिक्षण से संबंधित प्रश्न आपसे बहुत पूछे जाते हैं। प्रत्येक विषय में यदि 30 प्रश्न है तो हम देखते हैं कि 15 प्रश्न आपके सामान्य हैं जो विषय से संबंधित है और 15 प्रश्न जो आपके होते हैं उस विषय के शिक्षण से संबंधित है। तो यहां पर जो तैयारी की रूपरेखा है वो थोड़ी सी आपको अलग करनी है और प्रत्येक विषय के शिक्षण से संबंधित जो जानकारी है उसको यहां पर अर्जित करना बहुत जरूरी है। तो यहां पर आप जहां से भी पढ़ रहे हैं वहां पर किताबें और नोट्स की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, या जहां पर आप कोचिंग ले रहे हैं तो उस कोचिंग की क्या तैयारी है आपको टेट से अलग कर सीटेट पढ़ाने की, या शिक्षण से संबंधित जो आपको पाठ्यक्रम है उसको वो कितने सटीक तरीके से पूरा करा रहे हैं कि जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित कर सके। दूसरी बात, धारणा। यदि हमारी ये धारणा होती है कि चलिए पेपर है पात्रता परीक्षा का पेपर है, हम टिक करके हल कर लेंगे, पूरा हो जाएगा, है ना, अरे 10 ही दिन तो बचा है, 20 ही दिन तो बचा है, हम थोड़ा सा रिवीजन करके कर लेंगे, पूरा हो जाएगा, आपकी जो ये धारणा है वही आपको सीटेट की परीक्षा से बाहर करती है। क्योंकि यहां पर जागरूकता का अभाव, आपने थोड़ा भी पेपर को टेक फॉर ग्रांटेड लिया तो आप सीटेट कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर मन में प्रारंभिक तरीके से ही धारणा बना के आपको रखनी है कि पेपर की प्रवृत्ति अच्छी है और हमें व्यवहारिक ज्ञान और जागरूक ज्ञान बहुत जरूरी है। जागरूकता से संबंधित संबंध हमारा इनसे है कि आसपास की चीजें जो आपके शिक्षण में कार आने वाली हैं उनसे आप कितने अवेयर हैं, कितने जागरूक हैं और आपको उस शिक्षण का व्यवहारिक ज्ञान कितना है, उस विषय का व्यवहारिक ज्ञान क्या है, इसकी भूमिका यहां पर महत्वपूर्ण आपकी हो जाती है। ठीक है, कठिनाई स्तर मैंने पहले ही कहा पेपर का कठिनाई स्तर यहां पर बहुत अच्छा होता है। कुछ किताबें अगर मैं इसके लिए आपको बताऊं तो देखिए बाल विकास एवं शिक्षा सा सीडीपी के लिए आप एक तो विले पब्लिकेशन की किताब ले सकते हैं जो हिंदी में आती है, या आप पियर्सन की किताब ले लीजिए, आप लूसेंट की किताब ले लीजिए। यहां पर इसकी भाषा विले पब्लिकेशन की किताब की सबसे सरल है। पियर्सन की किताब जो इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतर हो सकती है। लूसेंट की किताब से विले की किताब अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आपको भाषा बहुत ही आसान चाहिए तो लूसेंट की किताब को भी आप सीडीपी के लिए ले सकते हैं। इंग्लिश के लिए अगर आप लोग यहां पर देखें ग्रामर और पेडागोजी दोनों के लिए तो टीएमएच पब्लिकेशन की यहां पर किताब आती है। हालांकि यहां पर प्रश्नोत्तर आपको नहीं मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन किताब का मटेरियल बहुत अच्छा है। हिंदी के लिए अगर हम लोग देखें तो हिंदी व्याकरण एवं शिक्षक के लिए सारोहा पब्लिकेशंस की जो किताब आती है, इस सारोहा पब्लिकेशंस की किताब आप ऑनलाइन देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। ये आपके लिए एक बहुत बेहतर विकल्प सारोहा पब्लिकेशंस की किताब होती है। सामाजिक अध्ययन एवं शिक्षण के लिए अगर हम लोग देखें तो संदीप कुमार जी की किताब आती है, पियर्सन पब्लिकेशन की किताब है और ये आपके लिए संदीप कुमार जी की जो किताब है वे बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है आपके लिए कि पढ़ने के लिए उस सिलेबस को पूरा करने के लिए। तो ऐसी कुछ प्रमुख किताबों का जब आप सहारा लेते हैं और जब आप अपना अध्ययन करते हैं और इनसे नोट्स बनाते हैं तो निश्चित रूप से आप पेपर को हल करने के ज्यादा करीब पहुंचते हैं। और यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया कि तीन भाग कॉमन है, ये कॉमन किताबें हैं। आप एक से पांच तक का पेपर दे रहे हैं तब भी इसको ले सकते हैं और आप छह से आठ तक का पेपर ले रहे हैं तब भी इसको ले सकते हैं और दोनों ही तरफ से आप इन किताबों का यूज कर सकते हैं। देखिए किताबें कोई भी हो लेकिन आपके पास होने में सबसे बड़ी भूमिका यह निभाती है कि जो किताबें आपके पास है आपने उन किताबों को नोट्स को यूटिलाइज कैसे किया। किताबें लगभग लगभग सब अच्छी होती हैं, सब आपको वही जानकारी देती हैं जो जानकारी आपको होनी चाहिए, लेकिन
आप उसका यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। एक शिक्षक की भूमिका आपके चयन में केवल ये होती है कि वो आपकी पाठ्य सामग्री और आपके चयन के बीच एक ब्रिज और सेतु का काम करता है कि इसमें से क्या हमें देखना है, कैसे पढ़ना है और कैसे नहीं पढ़ना है और किसको छोड़ना है और इसमें से कौन सी पाठ्य सामग्री आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से जरूरी है, यही एक शिक्षक आपको बताता है। नहीं तो किताबों में तो सारी चीजें लिखी होती है, शिक्षक ही आपको ये बताता है कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, है ना, कैसे नोट्स आपको पढ़ने हैं। अब सीटेट की परीक्षा के हिसाब से वो काउंटडाउन शुरू हो गया है कि आपको अपनी पढ़ाई लिखाई को प्रारंभ कर देना है, नोट्स बनाना प्रारंभ कर देना है, क्योंकि परीक्षा की प्रकृति के हिसाब से लगभग 90 से 120 दिन आपको इसमें चाहिए, अच्छे से पढ़ने के लिए चाहिए। अगर आप स्वाध्याय कर रहे हैं, खुद से ही पढ़ रहे हैं, तब भी आपको 90 से 120 दिन चाहिए, और अगर आप कोचिंग का सहारा ले रहे हैं तब भी एक कोचिंग को अच्छे से पढ़ाने के लिए 90 से 120 दिन चाहिए। शिक्षण परीक्षाएं जितनी भी होती है उसमें टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हमेशा बेस्ट संचालित करता है, हमारी कोचिंग का एक रिकॉर्ड रहा है, हम निश्चित रूप से आपको 100% रिजल्ट देते हैं, चाहे वो पिछला सुपर टेट हो, चाहे वो दोनों टेट के बैच हो, चाहे वो हमारा पिछला सी टेट का बैच हो, हमने लगातार इसमें बहुत शानदार किया है। और हमारे जो शिक्षक हैं उनको पता है कि टेट और सी टेट के बीच का एक महत्वपूर्ण जो अंतर होता है वो क्या होता है और किस तरीके से आपको बताना है। टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के जो नोट्स हैं, मैं यहां से भी आपको गारंटी के लेता हूं कि जो नोट्स अभी तक हमने आपको दिए हैं लगभग प्रश्न आपके वहीं से बने हैं। और सीटेट के लिए इस बार जो संस्थान का रिसर्च है वो बहुत जबरदस्त है और लगभग हम लोग 70% से 80% रिजल्ट यहां से नोट से देने आपको चल रहे हैं। प्रत्येक परीक्षा की अपनी एक चुनौती होती है, परीक्षा का अपना एक स्तर होता है और प्रत्येक परीक्षा की अपनी एक प्रकृति होती है। इसी प्रकृति को देखते हुए टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सीटेट 2020 के लिए ऑनलाइन बैच संचालित करने चल रहा है, जैसे कि इसकी सूचना आपको पिछले वीडियोज के माध्यम से भी मिली है। अगले 2-3 दिन में हम इसका बैच अनाउंस करेंगे और 3-4 दिन में हम इसकी विधिवत कक्षाएं शुरू कर देंगे। क्या क्या है इस बैच में? डेली 5 से 6 घंटे की आपकी क्लासेज होंगी, पूरे PDF प्लस हैंडरिटन नोट्स होंगे जो टीचर्स द्वारा स्वयं तैयार किए गए हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया कि लगभग प्रश्न आपको नोट्स में से मिलेंगे। आपके डाउट सेशंस होंगे, लगभग 50 आपके प्रैक्टिस पेपर होंगे सिलेबस खत्म होने के बाद, और एक स्तरीय टेस्ट सीरीज होगी। ये सभी आपको इस ऑनलाइन बैच में मिलेगा। आप में से जो भी इस ऑनलाइन बैच के लिए जो है इंटरेस्टेड है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर्स पर कॉल करके इस ऑनलाइन विषय के बैच में जानकारी प्राप्त कर सकता है। और अगले 1-2 दिन में हम इस बैच से संबंधित समस्त जानकारियां आपको प्रेषित करेंगे, तब तक आप नीचे के नंबर से पता कर सकते हैं। और जैसे कि आप पीछे फैकल्टी का नाम देख रहे हैं, कौन शिक्षक आपको क्या पढ़ाएगा, तो देखिए गणित संदीप तिवारी सर आप सभी लोग परिचित हैं, एक स्तरीय बहुत जबरदस्त टीचर। भूगोल एवं पर्यावरण गौरव नरंजन सर। सामाजिक अध्ययन में VK शुक्ला सर हैं और गौरव पांडे सर हैं। विज्ञान के लिए R कुमार सर हैं। मनोविज्ञान एवं शिक्षण के लिए प्रमोद कुमार सर हैं, जिनकी विषय पर बहुत जबरदस्त अपनी एक पकड़ है। शिक्षण हिंदी के लिए अमरेश भट्ट सर हैं, संस्कृत के लिए अनिल मिश्रा है, और विभेद एवं शिक्षण से संबंधित बहुत सारे ऐसे पोर्शन है जो महत्वपूर्ण है, जो स्वयं मैं ही आपको पूरा कराऊंगा। तो ये कंबाइंड एफर्ट है पूरी टीम का, हम सभी लोग इसमें प्रयास करने चल रहे हैं। अगर आप घर बैठ के तैयारी करते हैं तो भी टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पूरी तरह साथ है, और अगर आपको हमारे बैच में प्रवेश लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर चल रहा है इन नंबर्स पर आप कॉल करके यहां पर प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं या प्रवेश के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको दोहराया कि हर परीक्षा की प्रकृति अलग होती है। आप जैसे इतिहास और भूगोल लिखा है तो इतिहास में आपको पूरा इतिहास नहीं कर पढ़ना है, सीटेट का इतिहास पूछने का पैटर्न कुछ अलग रहा है, भूगोल पूछने का पैटर्न कुछ अलग रहा है, पर्यावरण पर पूछने का पैटर्न कुछ अलग रहा है। तो आप इस परीक्षा को सभी परीक्षाओं के साथ या और के शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के साथ जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इसने शुरू से अपने एक स्तर को मेंटेन रखा है। आइए इस नई चुनौती को स्वीकार करते हुए सफलता की इस अनवरत यात्रा में हम और आप साथ होते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि इस बार सीटेट में कैसे बेहतर रिजल्ट देना है। और यदि आप स्वयं से भी तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको पूरी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और लगातार ऐसे वीडियो में आपके लिए बनाता रहूंगा जो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे, आगे भी यह क्रम लगातार चलता रहेगा। अंत में मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती है
कोरोना वायरस, आप सभी लोग उससे सुरक्षित रहे, आपके परिवार उससे सुरक्षित रहे, आप प्रेरित करें लोगों को, जागरूकता लें लोगों को, और स्वयं भी आप जागरूक रहें ताकि आप इस वायरस से दूर हो सके और हम सभी लोग अपने देश को, अपने समाज को सुरक्षित रख सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, परीक्षार्थियों के लिए बेहतर मौका है आपका ये पढ़ने का, आप घर बैठे अच्छे से अपना अध्ययन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार।